हमारे YouTube फैमिली, मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पटना की आशा में। देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको चने की दाल से नमकीन बनाना बतलाऊंगी। ये देखिए मेरा चना का दाल है, ये सूजी है और मैदा है, ये तीनों से आज शाम का आपको आज नमकीन बनाना बतलाऊंगी। देखिए ये चना का दाल मैंने रात भर पानी में भिंगो के रख दिया था। उसके बाद इसे मिक्सी में इस तरीके से हमें पीस लेना है, पूरा पतला मिही करके। ये तीनों जब ये मैं पीस ली हूँ फ्रेंड, अब मैं इसमें देखिए क्या क्या मसाला डालूँगी। थोड़ा सा आप हल्दी ले लें, थोड़ा सा मिर्च पाउडर ले लें, जैसा तीखा बनाना चाहते हैं नमकीन फ्रेंड उस हिसाब से तीखा मिर्च डाल लें। और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लें, मरीच का पाउडर हो तो वो ले लें। और खड़ा जीरा का यूज करना है फ्रेंड, मैं खड़ा जीरा का ही यूज करूँगी इसमें। ये देखिए मैं थोड़ा सा गोल मरीच का डाली हूँ पाउडर। ये सभी मसाला से, और थोड़ा सा चाट मसाला भी ले ले फ्रेंड, 1 से 2 चम्मच चाट मसाला। देखिए ये चाट मसाला है, चाट मसाला ले लें। इस तरह से आप चने की दाल का नमकीन बनाइएगा फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में, कुरकुरा सा नमकीन। देखिए अब आप नमक भी ले लें स्वाद हिसाब से। इसमें मैं अभी मैदा सूजी भी मिलाने वाली हूँ। अगर सूजी आपका थोड़ा मोटा हो तो उसे भी आप मिक्सी में पीस लें कि सूजी भी आपका पतला हो जाए। उसके बाद आप ये तीनों को, मैं पहले तो मैं मसाला को देखिए इसमें अच्छी तरीके से मिलाना है। मसाला को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद देखिए मैं खड़ा जीरा रखी हूँ फ्रेंड, खड़ा जीरा ही रखें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको इस तरीके से हमें मिला देना है सभी मसाले को, बेसन को। देखिए अब बेसन जब पीसे फ्रेंड तो उसमें ज़्यादा पानी ना ले, क्योंकि वो अगर पानी लीजिएगा तो फिर बाद में आपको सानने में दिक्कत होगा, गीला हो जाएगा। इसी वजह से 1 से 2 चम्मच पानी से ही आप ये बेसन पीसने का कोशिश करें चने की दाल को। अब देखिए इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसे फेंट लेना है। अब मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए इसमें। जब मसाला आपका अच्छी तरीके से मिल जाएगा तब तो बहुत चटपटा आपका ये नमकीन, चने की दाल का नमकीन बहुत टेस्टी बनेगा, कुरकुरा सा। इस तरीके से देखिए मैं सब में मसाला मिला ली हूँ। अब मैं देखिए इसमें क्या डालूँगी फ्रेंड। अब मैं इसमें सूजी और मैदा जो रखी हूँ, ये देखिए हमारा ये सूजी है फ्रेंड जो मैं मिक्सी में पीसी हूँ, ये पहले डाल रही हूँ, ये डालेंगे। फिर हम इसमें मैदा भी डालेंगे, मैं थोड़ा सा मिला के भी देख रही हूँ। फिर मैं इसमें देखिए मैदा डालेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सा रख के देख रही हूँ फ्रेंड कि अगर मेरा ये गीला रहेगा उस हिसाब से फिर मैं लूँगी इसमें। अब इसमें आप क्या करें, 2 से 3 चम्मच थोड़ा सा ऑयल भी ले लें, रिफाइंड ऑयल का यूज करें। रिफाइंड ऑयल मैं थोड़ा सा देखिए इसमें डालूँगी, क्योंकि नमकीन है फ्रेंड, थोड़ा सा ये मोम नहीं डालेंगे तो थोड़ा क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसी वजह से थोड़ा सा ऑयल तो रखना ही होगा। और उसके बाद इसे ज़्यादा ऑयल का ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 चम्मच आप रखें। और उसके बाद देखिए इस तरीके से सबको चम्मच की मदद से, चाहे आप हाथ से भी कर सकते हैं, मैं चम्मच से ही कर रही हूँ, हाथ में पूरा लग जाता है तो मैं चम्मच से ही करके आपको बतला रही हूँ। देखिए ये हमारा भी गीला है तो मैं थोड़ा सा इसमें सूजी और लूँगी। सूजी लेने से होगा क्या कि सो आपका जो है वो पानी पूरा सूख लेगा इसमें का, जो होगा चने की दाल का पानी वो पूरा सूख जाएगा। इस तरीके से देखिए कर लेना है। अब देखिए मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के, और उसके बाद इसे हाथ से भी करूँगी कि थोड़ा सा ये बहुत अच्छी तरीके से आटा की जैसा ये सना जाए हमारा मुलायम सा। देखिए फ्रेंड ये मैं बहुत अच्छा तरीके से सान ली हूँ। अब मैं इसे क्या करूँगी, 20 मिनट से 10 मिनट तक मैं इसे रेस्ट में डालूँगी, जो हमारा आटा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखिए मैं ये मेरा आटा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब मैं इससे आपको नमकीन बनाना बतलाऊँगी कि आप कैसे इससे नमकीन बनाएं। जो कि अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लें फ्रेंड, ऑयल ले कर इसे उसके बाद अच्छी तरीके से इसे मिलाएं। देखिए इस तरीके से मिलाना है एकदम। जब हाथ में आप तेल लगा लीजिएगा तो ये आपका हाथ में नहीं सटेगा, इसी वजह से हाथ में तेल लगा लें। और थोड़ा सा आप चक्कू की मदद से आप सब गोला को एक बराबर से कटिंग कर ले। इस तरह करने से क्या होगा कि आपके हाथ में कम लगेगा
और बहुत अच्छा एक बराबर आपका ये कट के तैयार होगा। एक गोला को अच्छी तरीके से करके इसे बेलना है, जैसे आप रोटी बेलते हैं फ्रेंड उस तरीके से इसे बेल लें। देखिए ये गोला हमारा रेडी है, अब इसे रोटी के जैसा बना लेना है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए कि मैं इसी तरीके से आप लोग को नई नई रेसिपी का वीडियो ला के देती रहूँ। अब देखिए मैं ये मैं रोटी के जैसा बेल ली हूँ। अब बेलने के बाद मैं इसे देखिए बीच से पहले कट कर दूँगी। आप जब भी ये नमकीन बनाएं चने की दाल से तो एक बार हमारा वीडियो आप ज़रूर देखें फ्रेंड। मेहनत कुछ भी नहीं है, बस रात भर चने को भिगो के रखना है, सुबह उसे मिक्सी में पीसना है। ये सब सामान डाल के आप बना के एक डब्बा स्टोर करके रख दें, जब मन करे तब निकाल के आप उसे खा सकते हैं, गेस्ट को भी खिला सकते हैं, तो थोड़ा सा कुछ अलग भी रहेगा। और टेस्ट का तो खैर पूछिए मत, टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा लाजवाब, ये खाने में बहुत टेस्टी लाजवाब लगता है फ्रेंड। इसीलिए आप लोग भी ज़रूर अपने घर पे बनाइए मैं चने की दाल की कुरकुरे निमकी। इस तरीके से देखिए काट लेना है, सभी को पतला पतला करके लंबे लंबे आकार में काट ले। आप चाहे तो कोई भी आकार दे सकते हैं फ्रेंड, पर मैं लंबा ही काट के आपको बतला रही हूँ कि लंबा आप इस तरीके से सारे को काट लेना है। अब देखिए मैं ये एक अलग आकार आपको बतलाऊंगी, तिरछा में आप इस तरीके से काट सकते हैं। देखिए मेरा कट गया है, कटिंग कर ली हूँ। अब मैं इसका आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसे बहुत अच्छी तरीके से छानना है फ्रेंड। देखिए मैं रख के देख रही हूँ कि हमारा तेल गर्म है कि नहीं, तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं सारे नमकीन को इसमें रख के छान लेना है, तल ले अच्छी तरीके से। जब ये आपका हल्का सुनहरा कलर का हो जाएगा फ्रेंड तो ये तो पता चल जाएगा, आप उसे निकाल दें और एक बर्तन में रखें। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे देखिएगा खा के, इतना कुरकुरा इतना टेस्टी लगेगा कि पूछिए मत। देखिए हमारा नमकीन कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से सबको छान लेना है, इस तरीके से आप हिलाते डुलाते रहें फ्रेंड, क्योंकि आपका ये जले खुले ना जलना नहीं चाहिए, इसलिए इस तरीके से हिलाते रहें कि सब तरफ से अच्छी तरीके से ये पक जाए। देखिए इस तरीके से हमें इसे कर लेना है। आप इसे बना के चाहे फ्रेंड तो रख सकते हैं डब्बों में, स्टोर करके रख दे बंद करके, जब मन चाहे तो आप इसे यूज करें, लंच में भी दे सकते हैं बच्चों के, सुबह के स्कूल में लंच में भी दे सकते हैं, इसीलिए बना के आप ज़रूर रखें। ये हल्का फुल्का चाय के साथ भी ले सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए फिर मैं बतला रही हूँ, जब आप रोटी बेले फ्रेंड तो एक चम्मच की मदद से सारे रोटी में इस तरीके से छेद कर देना है। देखिए मैं उसमें दिखाना आपको भूल गई थी, इस तरीके से सारे रोटी में छेद कर दे। अब देखिए मैं कैसे कटिंग करूँगी, आप मैं एक दो कटिंग आपको उसमें दिखाई हूँ, अब देखिए तीसरा कटिंग मैं इसमें आपको बतला रही हूँ। इस तरीके से आप चाहे तो कट सकते हैं, ये नया डिजाइन का है नमकीन, पता नहीं आप लोग इससे पहले कभी बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर ना बनाए हैं तो एक बार हमारा वीडियो देख के आप ज़रूर ये चने की दाल की नमकीन बनाएं, थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए, ये थोड़ा अलग है, अलग थोड़ा नहीं बहुत अलग है फ्रेंड। इस तरीके नमकीन आप ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत भरपूर रहता है इसमें, हेल्थ के लिए भी ठीक है, चने की दाल की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं ये कटिंग कर ली हूँ फ्रेंड, अब मैं इसे फिर तल के उसी तरीके से दिखाऊंगी आपको कि इसके इस तरीके से छनोटे की मदद से इस सब जो एक दूसरे में चिपक जाते हैं इन लोग को इस तरीके से अलग कर दें। अलग करके उसके बाद इसे अच्छी तरीके से छान लेना है उलट पुलट करते हुए कि हमारा कच्चा ना रहे। इस तरीके से देखिए ये हमारा, अब मैं इसे पलट पलट के अच्छी तरीके से पका लेना है। जब ये हमारा हल्का सुनहरा कलर का हो जाएगा फ्रेंड तो मैं इसे निकाल के एक बर्तन में रखूँगी कि जब ये ठंडा हो जाए तभी खा के देखिएगा, तभी जाके इसका असली असली मज़ा है। जब ये ठंडाएगा तब जाके ये बहुत क्रिस्पी बनता है फ्रेंड, चने की दाल की नमकीन है।
अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा फ्रेंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, एक लाइक का बटन देते हुए। देखिए हमारा ये मैदे की चने की दाल की नमकीन कितनी खूबसूरत लग रही है, बन के रेडी है। आप इसे बनाए ज़रूर अपने घर पे, अब बहुत टेस्टी, टेस्ट का तो खैर पूछिए मत फ्रेंड, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका। इसे चाय के साथ आप ले सकते हैं, चाहे तो इसे सॉस के साथ भी आप ले सकते हैं। देखिए ये हमारा भी बहुत खास्ता है, जब ये ठंडा होगा फ्रेंड तो ये और भी ज़्यादा खास्ता होगा। अभी तो थोड़ा गर्म है, तो थोड़ा गर्म में दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बहुत क्रिस्पी बन जाएगा, खाने में भी बहुत टेस्टी। देखिए ये हमारे चने की दाल की नमकीन है, इतना सारा बना ली हूँ, बना के अब डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, थैंक यू।